नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान मीडिया साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी, वी आर लुकिंग इनटू इट और व्हाट एवर इज पॉसिबल इज बीइंग डन और इलाज किया जा रहा है और जो आपको इल्म है आज से पहले भी एक दो दफ़ा मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ मैं बात कर चुका हूँ कि देर आर कुछ चीज़ें हैं विच आर ऑफ मेजर कंसर्न जिसमें उन हार्ट डिजीज़ है द हार्ट डिजीज़ इट्सेल्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है मतलब ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में वेसल्स में वो जो ब्लॉकेजेस हैं दे आर द रीज़न फॉर हिज एंजाइना जो रिकरेंट और ऑफन और एंजाइना होता है देर इज़ अ नीड के उसकी कार्डियक कैथराइजेशन हो और इंटरवेंशन हो और अगर इंटरवेंशन अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो शायद बाईपास सर्जरी रीडू करने की ज़रूरत पड़े। सेकेंडली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट वाज द बेसलाइन कार्डियक रिदम एबनॉर्मैलिटी ही नीड्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ ईपी स्टडीज़ उसे कहते हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद वेरी डेफिनेटली वी आर ऑफ द ओपिनियन एंड द मेडिकल बोर्ड एंड द एक्सपर्ट्स विच वी हैव बीन कंसल्टिंग दैट ही विल नीड इवेंचुअली ही रिक्वायर्स अ बैकअप पेसमेकर एंड एन ICD एज वेल उसकी भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और थर्डली एक सेकेंड जो थर्डली जो इम्पॉर्टेंट है विच इज़ नेवर द लेस के इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एलमेंट्स वो जो कैरोटिड आर्टरी की स्टिनोसिस है द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट वन ऑफ द आर्टरीज इट इज़ अ क्रिटिकल स्टिनोसिस इट्स अ लॉन्ग क्रिटिकल स्टिनोसिस एंड इट नीड्स एन इंटरवेंशन। जी 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 मैं आई रिट्रेट अगेन ये जो चीज़ें मैंने आपसे अभी गुजारिश की है द कार्डियक इट्स अ ह्यूज इशू इट्स अ बिग इशू जो एनीथिंग विच इज़ गिविंग रिकरेंट एंजाइना कैन लीड टू हार्ट अटैक सो कार्डियक इशू इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलरली द इशू ऑफ कैरेटेड आर्टरी रीस्टिनोसिस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनी स्टिनोसिस कैरेटेड आर्टरी